एक सबसे खास बात और जरूरी बात वो ये कि पिस्टल पहले आप एक राउंड इस्तेमाल करें या मैगजीन पूरा इस्तेमाल करें, लेकिन जब भी राउंड चलाएं उसके फौरन बाद ये जितना जल्दी हो सके उसकी क्लीनिंग ज़रूर और लाजमी करें। क्लीनिंग के लिए कोई भी अच्छा लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और इस तरह के रस्ट ऑयल होते हैं, एंटी रस्ट लुब्रिकेंट स्प्रे होते हैं जो इजीली हार्डवेयर की शॉप से आपको मिल जाते हैं। तो आपने ये लाजमी, अगर आप अपने बैरल की हिफाजत चाहते हैं कि आपका बैरल लॉन्ग लाइफ रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो उसके लिए आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। तो थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए कि आज काफ़ी दिनों बाद इसका टेस्ट फायर हुआ है, तो लिहाजा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लकड़ी के ही पीस से खोलनी चाहिए। तो ये इंशाल्लाह पहले हम इसका हैमर खींचेंगे, उसके बाद इसको ठीक है। अब ये हमारा यार ये देखें, ये इसकी जो चैम्बर लॉक पिन होती है ये थोड़ी सी आउटसाइड हो गई है, जगह से अपनी हट गई है। तो अब हम इजीली इसको निकाल के, ये हमने निकाली बाहर और हमारा चैम्बर हमारा रिलीज हो गया। इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमने ज़्यादा डीप इसके अंदर नहीं जाना है। जोड़ वाली जगहें हैं जहाँ पर आपको लगता है जो फायर पिन हो गई, स्प्रिंग हो गया, बैरल हो गया, फायर पिन स्प्रिंग के अंदर की जो रॉड है वो हो गई, आपने स्प्रे कर देना हल्के हाथ से। अब उसकी हम बात करेंगे इसकी दस्ती की, तो ये इतना लाइट वेट होता है ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही मतलब प्लास्टिक है जैसे कुछ है ही नहीं, मगर बहुत मज़बूत होता है ये। और हल्का हल्का हम स्प्रे इस पर फायर पिन पे, हैमर पर, पिकॉक पर, इन जगह पर इसके हल्के 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 हाथ से स्प्रे कर देंगे, ठीक है। हल्के हाथ से मारेंगे, बिल्कुल ही हमने इसको खुश्क नहीं करना है। 10 हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ बैरल के अंदर इसको थोड़ा सा घुमाना है, ठीक है। और ये खुद ही साफ हो जाएगा। कार्बन सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है बैरल के लिए, नुकसानदेह होता है जिससे उसकी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ता है बैरल की। तो लिहाजा आप एक फायर करें या जितनी भी फायर करें तो आपने ये बैरल की सफाई लाजमी करनी है, क्योंकि जो बुलेट्स का जो कार्बन होता है वो इसमें लग जाता है। तो यही चीज़ बिल्कुल हम इस करेंगे PSA के साथ। जितनी अच्छी सफाई करेंगे बैरल की उतनी अच्छी इसकी लाइफ होती है, तो लिहाजा आपने खास ख्याल रखना है और अच्छा सा ऑयल को इस्तेमाल करना है। और ये बहुत कार्बन निकल रहा है PSA वैसे, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी जब मैंने राउंड इसमें इस्तेमाल की थी तो मैंने इसकी सर्विस करने का मुझे वक्त बिल्कुल नहीं मिला था, जो फाइनली आज मुझे मौका मिल गया कि मैं इसकी जल्दी से और अच्छी से क्लीनिंग कर दूँ। ये हमारा बैरल साफ हो गया है, अब हम इसकी करेंगे असेंबली। उसके बाद ये इसकी चैम्बर की जो स्प्रिंग और स्प्रिंग पिन होती है इस पर भी हल्की सी हम कर देंगे। इसके जो जो आपको जोड़ नजर आते हैं जो अब इसके बाद हम आएंगे CA98 की तरफ। ये
हमारा सीए भी रेडी हुई है,